मैं पापा को कभी कभी ऐसे बोलता था, आगे चल के तो दुकाने बैठना है मेरा बस। तबीयत खराब है, कैसे उनता नहीं ठीक होगी। इसका इनाम क्या बात है। मैं बहुत खुश हूँ, आपका दादा का नाम रोशन कर रहा बच्चा मेरा। पूर्णिया जिले में कस्बा, वहां पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वासा है। बिल्कुल, आई है 3-4 ऑलरेडी, तो वहां पर प्रिंस की धूम मैंने सुनी। जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं प्रकाश बिछर। कहते हैं कि कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। जो चाहते हैं मेरी हस्ती मेरे जज्बे को मिटाना, इस मिट्टी के जर्रे जर्रे से राहुल की आवाज बोलेगी। आइए आज आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाता हूँ, राजस्थान के शेखावाटी जनपद का सीकर जिला और बाबा परमानंद की पवित्र भूमि लोसल की धरती पर उपस्थित हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जब 12th कला संकाय का रिजल्ट जारी करता है तो लोसल का एक सोनी परिवार और सोनी परिवार का एक लाडला बेटा राहुल सोनी 98.60 के बेहतरीन शानदार जबरदस्त स्कोर बनाने वाला ये बच्चा। आइए मिलते हैं उस परिवार से जिस परिवार से पहले भी पीसीपी ने दो ऐसे सपूत दिए हैं जो आज भारत की मेडिकल जगत में अपने परिवार का मान बढ़ा रहे हैं। कृष्ण और बेटी पलक दोनों सगे भाई बहनों ने पीसीपी से पढ़कर आज मेडिकल जगत में अपने डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और परिवार का ये तीसरा बालक है जो आज 98.60 के बड़े स्कोर के साथ संपूर्ण राजस्थान भर में 4th रैंक पर कब्जा कर लेता है। तो आइए सबसे पहले राहुल से जानते हैं इसके संघर्ष और सफलता की कहानी। राहुल, सबसे पहले तो आपके इस शानदार बेहतरीन जबरदस्त स्कोर के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आज प्रिंस की मीडिया की टीम ने आपके घर पर दस्तक दी है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल, कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि मेरा नाम इस पूरे राजस्थान भर में होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। तो बताइए आप 11th 12th 2 वर्षों का प्रिंस का सुनहरा सफर किस प्रकार का रहा? प्रिंस में आने के बाद एकदम बच्चों से दबाव एकदम कम हो जाता है जी, पढ़ाई का एकदम माहौल अच्छा बन जाता है। और स्कूलों में ऐसे दबाव रहता है तो प्रेशर सा बन जाता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। अच्छा। वो माइंड में एक ऐसा होता है फिर वो मन स्ट्रेस नहीं रहता है। स्ट्रेस रहता है फिर मन नहीं करता है। ये चीजें प्रिंस में नहीं रहती, इसके पीछे का कारण क्या है? जाते हैं सब टीचर्स एकदम प्यार से बात करते हैं, एकदम अच्छे से बात करते हैं, आप बार बार समझाएंगे हर एक चीज को और आपके ऊपर कभी दबाव नहीं आने देंगे। सब एकदम अच्छा माहौल है, एकदम मैनेजमेंट एकदम अच्छा है, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। प्रिंस में 2 वर्षों तक आप रहे, इन 2 वर्षों के दरमियान आपने क्या खास सीखा? क्रिएटिविटी। और क्या सीखा? हमेशा एकदम फ्री रहना चाहिए, कभी किसी चीज का दबाव नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अपने मन में जो हो उस मन की सुननी चाहिए। 98.60 का स्कोर बनाने वाला बच्चा मैं मानता हूँ कि शायद एवरेज बच्चे से कुछ अलग होता है। और कहते हैं कि राहुल जैसे बच्चों का तो बैग में किताबों का रखने का सलीका ही अलग होता है, तो 98.60 का जो स्कोर बना इसके पीछे आपका स्टडी प्लानिंग किस प्रकार का था? किस प्रकार से आपका डेली रूटीन रहता था? सुबह 5 बजे उठ के तो पहले तो स्कूल, जब स्कूल होता था तब तो स्कूल आना पड़ता था जी। स्कूल से 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, फिर 3-4 बजे तक घर पहुंचता था जी। फिर 4 बजे 5 बजे तक खाना वाना खा के 5 से 6 आराम से पढ़ाई करता था, फिर 6 से 8 बजे तक खाना वाना सब होके 8 से 10 बजे तक पढ़ाई, फिर सुबह वही रूटीन। और छुट्टियों में सुबह कभी 3 बजे उठ जाता था, कभी 5 बजे उठता था, कोई फिक्स नहीं था। नींद कितने घंटे लेते थे? नींद 6-5 घंटे, बस 5-6 घंटे। कई बच्चे पढ़ाई के दरमियान नींद बहुत लेते हैं। अब आपको कुछ करना है तो नींद तो एक बार नींद को त्यागना पड़ेगा। मुझे संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ याद आ रहा है कि काग चेष्टा बक्को ध्यानम अल्प निद्रा तते हुच्छे अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जीवन पंच लक्षणम कोवे जिससे चेष्टा बहुले जिसा ध्यान। कम नींद लेना, कम भोजन करना और घर को त्याग देना एक सफल विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण है। और बात अगर नींद की करे कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को 6 से 6 घंटे नींद तो जरूरी है क्योंकि ताकि फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अब राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? अभी तो CUET की एग्जाम दी है, अब DU में जाऊंगा, फिक्स अच्छा। है वो सिलेक्शन। प्रिंस में पहले से ही मतलब जो भी टेस्ट होता था पहले यूनिवर्सिटी का एग्जाम पहले लगता था जी जी जी। तो DU में जाने के उपरांत आगे आगे IAS की तैयारी, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो आप? सिविल सर्विस। देखिए, बच्चे का सपना बहुत बड़ा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का बड़ा अधिकारी बनूंगा, बड़ा सपना इस बच्चे ने पाल रखा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मंजिल दूर नहीं है। तो राहुल, आपके जो अनुज है, जो छोटे भाई बहन है, उनको क्या संदेश देना है? कभी भी टेंशन मत लेना, सब कुछ हो जाएगा, सब आराम से होगा। अब अपनी तैयारी करते रहो, कर्म करते रहो, फल अपने आप। बिल्कुल, गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत कीजिए आप। बहुत बढ़िया। अपने बीच में राहुल सोनी के ताऊजी श्रीमान नरसिंह जी सोनी हमारे बीच मौजूद हैं। ताऊजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार जी आपको। आज कैसा लग रहा है सर आपको?
मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कभी ऐसा सोचा था कि राहुल भी एक दिन इतना बड़ा कर जाएगा? सोचा था। अच्छा, इनका मैं बराबर ध्यान रखता था और यही चाहता था 99% से नीचे नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन इनको ये बोला ये 99% ही है। आपने कभी बच्चों पर इस बात का दबाव नहीं बनाया कि बेटा ये करना ही हो? नहीं, दबाव नहीं बनाया, बस यही बोलता हूँ बेटा नाम करना है अपने बाप दादा को, अपने बाप दादा का नाम करना है। साहब, नाम तो राजस्थान के मानचित्र पर इसका अंकित हो चुका है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसके नाम के साथ पिताजी और दादाजी का नाम तो लिखा जा चुका है। हाँ। इसके लिए सबसे ज्यादा मैं ना प्रिंस स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके हमेशा आभारी रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रिंस ने आपके परिवार के प्रिंस ने हमको दो डॉक्टर दे दिए। क्या बात है, अब अगला तैयारी है कलेक्टर बनने। लोसल के सोनी परिवार के एक ही परिवार के दो बच्चे डॉक्टर बने हैं, सगे भाई बहन हैं। तीसरा बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। आप देखिए, जिस एक सामान्य से छोटे से परिवार से अगर ये दो सगे भाई बहन डॉक्टर बन जाते हैं, तीसरा बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो उस परिवार में कितनी खुशी का माहौल होगा। आप सोना घड़ने का काम करते हैं एक तरह से जी, वो काम भी आता है? इसको पूछते नहीं, दुकान कम बुलाते हैं। अच्छा, कम बुलाते हैं। एक बार मैं पुनः राहुल से जुड़ना चाहूंगा। राहुल, कहीं ना कहीं परिवार की कई पीढ़ियां इस सोने चांदी के कामों में लिप्त रही हैं, तो आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना बन जाओ, अपने पुश्तैनी काम से भी जुड़े रहना पसंद करोगे आप? मैं पापा को कभी कभी ऐसे बोलता था, आगे चल के तो दुकानें बैठना। पापा बोलते थे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ने पे ध्यान दे अपने। तो मजाक मजाक में बोलते, मजाक मजाक में। और पापा ने मजाक मजाक में ये बोल दिया कि नहीं यहाँ नहीं बैठना, तुझे कुछ बड़ा करना है। अपने बीच में राहुल सोनी की माता जी श्रीमती सुनीता जी सोनी हमारे बीच मौजूद है। आइए एक माँ से जानते हैं बेटे की कुछ विशेष बातें। माता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बेटे ने मान बढ़ा दिया आपका? थैंक यू। आज ईश्वर है ना? हाँ, बहुत। जिना आ खबर था के घर आई के थाकड़ो टाबर के ता परसेंट बन गए, तो भी टाइम घर में क्या खुशी माहौल हो? खुशी कोई होए है, खुशी कोई है। मतलब तबीयत खराब है कि सुनता नहीं ठीक होगी? अच्छा, ताकि तबीयत खराब भी तो कि सुनता ही ठीक होगी। आखिर क्यों नहीं? क्योंकि माँ, एक संतान जब सुख और चैन की नींद लेती है, एक संतान को जब बड़ी सक्सेस मिलती है, तो कहीं ना कहीं माँ को बड़ा संबल और सहारा मिलता है। सही। तो माता जी, ये टाबर आपकी गोदी में खेला है, तो आप मुझे इसकी बचपन की कुछ बातें बताओ। ये बचपन में किस प्रकार से रहा करता था, कुछ इसकी शरारतें बदमाशी जो भी आज तक की बताओ आप। शरारतें तो नहीं करता था, पढ़ाई में तो हमेशा से ही है। अच्छा। सुबह 4 बजे उठते ही बस नहा धो के स्कूल जाके बैठ जाता था पढ़ने के लिए। प्रिंस में जाने के लिए भी 4 बजे उठता था। प्रिंस में जाने के लिए 4 बजे नहा धो के रेडी हो जाता था, मम्मी जल्दी से टिफिन। 4 बजे कौन जगाता था इसको? खुद उठता था, मुझे जगाता था। ये घर के काम ही माँ की मदद करता था क्या बेटा? हाँ, करता है। करता था, जैसे तबीयत खराब हो जाती तो कर देता है। क्या काम करता? जैसे बर्तन भी धो देता है, खाना भी बना देता है। अच्छा। और जैसे सफाई वगैरह। देखिए, 98.60 का स्कोर बनाने वाला है बेटा, घर परिवार और सामाजिक ताने बाने से इस प्रकार से जुड़ा है। माँ कहते हैं कि जब कभी भी तबीयत खराब हो जाती तो रोटी भी बना देता, बर्तन भी धो लेता और सफाई वगैरह कपड़े वगैरह भी धो देता। ये अच्छे बालक की, एक संस्कारी बालक की पहचान है। माता जी, बहुत बहुत बधाई। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अपने बीच में मुरारी जी सोनी, जो राहुल के बड़े ताऊ जी हैं। मुरारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है बच्चे की सक्सेस को लेकर? सक्सेसफुल में प्रिंस परिवार का बहुत बड़ा आभार है। हमारे परिवार से 3 कोहिनूर निकाले हैं उन्होंने। जी जी जी। 2 तो डॉक्टर में, और पूरे प्रिंस परिवार का, हमारे परिवार की ओर से, पूरे गाँव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो पत्थर से कोहिनूर हीरा बनाने के लिए आप चुन के लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चे को लायक बनाया। थैंक यू मुरारी जी। अपने बीच में राहुल के ताऊजी श्रीमान राजेश जी सोनी हमारे बीच मौजूद है। राजेश जी, परिवार के एक एक सदस्य से बात करें, सब नई नई बातें बता रहे हैं। आपका कुछ विशेष कहना है इस बच्चे की इस बड़ी सक्सेस पर? इसके लिए कहना है कि जैसे अपना होता ना खरबूजा। अच्छा। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मारवाड़ी मौजूद खरबूजा देकर खरबूजो रंग बदला है। मेरा 2 बच्चा प्रिंस में यहाँ। अच्छा। दोनों को नीट में सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है। देकर वो मतलब तो उत्साह हो कि मेरे भी नंबर आवे क्या मैं। कई बात है। हाँ, जब बोल बेटा कहीं दिनों है कताओ जी नंबर लिया मैं लाना है, जब इलिया मैं सब वादो करो बोल दिन कहा चाहिए से स्कूल को भी नाम हो जाए, तेरह भी नाम है, माँ को भी नाम हो गए। दूसरी बात, प्रिंस स्कूल का माँ वो नियम है कि बच्चा चाहे कता ही हो जी, हर बच्चा को मैं एक एक बच्चा को ध्यान रखे पर्सनल के। मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा पढ़िया जो कहाँ सर्विस बच्चा ने मिला कि वो खटे, जबकि वो ड्रेस में कौन नहीं हो फिर पिछाड़ेगा
अत्ता बच्चा पिछाड़ो मामूली बात को नहीं, बिल्कुल इसलिए एक एक बच्चा को ध्यान रखे। वास्तव में आप शिकर एरिया का माए प्रिंस को मुकाबलो कोई नहीं, प्रिंस की गारंटी है। प्रिंस का मुकाबला प्रिंस से, प्रिंस गारंटी है, प्रिंस से गारंटी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि नर्सरी से नौकरी तक की गारंटी देने का काम अगर कोई कर रहा है तो आपकी प्रिंस कर रही है। इसका इनाम, क्या बात है। भरे सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर ताऊ जी अपने एक तरह से देखे तो अपने बेटे को सोने का, क्या बोलेंगे इसको, सोने की चैन पहनाकर जोरदार अभिनंदन स्वागत करें। बड़ा सुनहरा पल है, ताऊ बेटे ने अपना अपना वादा पूरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, आपसे इस बच्चे ने इस बात का वादा किया था कि ताऊ जी एक दिन कुछ बड़ा कर दूंगा, और इस बड़ा करने के उपलक्ष्य में आज एक ताऊ जी अपने बेटे को ये सोने की चेन पहना दी गले के। बहुत बहुत बधाई हो सर। आपने बीच में राहुल सोनी की दादी होता का लाड लड़ावाना आपने बीच में उपस्थित है दादी जी, थाने बहुत बहुत बधाई हो। मैं बहुत खुश हूँ, आपका दादा नाम रोशन कर दिया बच्चा मेरा, पोता नाम रोशन कर दिया। थारी उम्र बढ़ गई यार दादी जी। है हाँ, वो बहुत खुश हूँ, यही मेरा पोता पोती सब होशियार। बिल्कुल काया सॉरी कर दी ने। दादी की सेवा करे पूरी, सब करे मेरी, सब करे सेवा, बेटा वो सब करे। बहुत बढ़िया दादी जी, तार बहुत बहुत बधाई। अपने बीच में राहुल सोनी के पिताजी श्रीमान भारत जी सोनी, सोनी साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। आपके सुपुत्र आपके लाडले बेटे ने आपका मान बढ़ाया है, क्या कहना आज इसके लिए। मैं प्रिंस आपको धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद, क्योंकि हमारा घर का रिजल्ट 100% दिया है। तो सोने का चांदी का जेवरात का काम करने वाले पिताजी ने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों नहीं सोने का बड़ा कोई शोरूम खुलवा दूं। दो बच्चों को देख के डॉक्टर बने जो प्रिंस स्कूल से, उसको देख के अब सोने चांदी का नहीं, अब तो आगे। अपने बीच में राहुल सोनी के पिताजी के घनिष्ठ मित्र सिंह रावत निवासी श्रीमान महेंद्र जी गौड़। महेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपके इस दोस्त के बेटे ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया। थैंक यू सर। क्या कहना है आज आपका? बहुत खुश है सर, सोनी फैमिली पूरी खुश है, पूरा लोसल खुश है। जी जी जी। प्रिंस का, राहुल का जो मैंने बचपन देखा है 4-5 साल से, जो उसको जज किया है, तो प्रिंस में गया था क्रिकेट खेलने एक्चुअल में। अच्छा, क्रिकेट खेल। हाँ, पहले इसको सोचा कि हम जयपुर में कोई एकेडमी में कराएं, फिर इसने नेटवर्क पर सर्च करके प्रिंस को फाइनल किया। प्रिंस में गया था क्रिकेट खेलने, यानी क्रिकेट में कुछ करना चाहता था ये। बिल्कुल। वो टाइम मैंने देखा है और प्रिंस ने देखो क्या कर दिया। और ये जो माहौल का जो बात कर रहा है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस और इजी वे के अंदर प्रिंस में पढ़ाया जा रहा है, ये आज के दौर में बहुत बहुत बड़ी बात है। अन्यथा बच्चों पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो ये सभी संस्थाओं को इस विषय में जरूर जरूर सोचना चाहिए, कम से कम प्रिंस की नकल करनी चाहिए। और आखिर बच्चे ने खेल के मैदान को छोड़कर शिक्षा के मैदान में, शिक्षा की समर भूमि में आ जाता है और बेहतरीन छक्का लगाकर 98.60 का बेहतरीन स्कोर बना लेता है। हाँ महेंद्र जी, और कुछ विशेष कहना? विशेष सर प्रिंस के लिए कहना है कि कोहिनूर वो दे रही है। और इस प्रिंस स्कूल का मैंने बिहार राज्य में पूर्णिया जिले में जी बहुत ज़्यादा ऐड देखा, पेपर्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छे जो गार्जियंस जो नोएडा वगैरह में बहुत बड़ी कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं मदर फादर, उनसे उन्होंने अपने सगे दोनों लड़का लड़की को यहाँ पे प्रिंस के अंदर डाला। बिल्कुल। कस्बा गांव है, एक शहर है कस्बा, पूर्णिया जिले में कस्बा, वहाँ पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वासा है उस गाँव में। बिल्कुल। IAS है 3-4 ऑलरेडी। तो वहाँ पर प्रिंस की धूम, यानी अपने सीकर जिले की धूम मैंने सुनी, तो प्रिंस से प्रभावित हुआ। और राहुल का रिजल्ट लेने जिस दिन गए हैं, देखा है, जिस दिन सम्मान हुआ उस दिन मैं प्रिंस गया, तो मुझे धोखा भी हुआ कि कम से कम 2-3 साल पहले चला जाता तो मैं मेरी बेटी को पढ़ा पाता। जी 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 जी। श्रीमान अजय जी बुगाले हमारे बीच मौजूद है। अजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, बधाई। थैंक यू सर। आज आप भी सोनी परिवार से पिछले कई वर्षों से जुड़े हो, इस परिवार से आपका गहरा रिश्ता नाता रहा है, प्रिंस परिवार से भी आप विशेष रूप से जुड़े हो। इस बच्चे की बड़ी सक्सेस को लेकर इस परिवार में पहले भी प्रिंस ने 2 डॉक्टर दिए हैं, तो आपका क्या कहना है? प्रिंस परिवार के बारे में बताऊं तो सर, प्रिंस के बारे में तो क्या बताना, बताना नहीं क्या बताना। जी जी, ठीक है। इसका जो सबसे जो मेन चीज़ें, जो मैं 5-7 साल से प्रिंस से जुड़ा हुआ हूं, जो मुख्य रूप से देख रहा हूं कि अनुशासन है, मुख्य रूप से जो शिक्षा है, अनुशासन के साथ साथ जो कैंपस है, कैंपस का जो आपसी जो संगठन है, सामंजस्य है स्टाफ वगैरह का, वहाँ की जो साफ सफाई है, व्यवस्था वगैरह है। और अक्सर होता क्या है संस्थाओं में कि एक संस्था एक मापक के ऊपर खरी उतर जाती है, जी, लेकिन दूसरे मापक के ऊपर वो पिछड़ जाती है। प्रिंस की यही खासियत है कि ये अपने सभी मापकों के ऊपर खरी उतर रही है। और लोसल के लिए तो विशेष, जैसे
पिछले 3-4 साल से देखा जाए, जब से डेस्ट कॉलर के लिए यहाँ से बस से शुरू हुई है, तब से तो लोसल में तो विशेष, वैसे लोसल पहले से भी शिक्षा नगरी रही है, बिल्कुल बड़ी बड़ी स्कूलें थी, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे जैसे किसी को नीट की तैयारी करनी होती थी तो उसको कोटा वगैरह जाना था, बिल्कुल, या आईपीएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो ये सिस्टम यहाँ लोसल में था नहीं जी। तो ये दरवाजे प्रिंस ने खोल दिए लोसल के लिए, क्या बात है। लेकिन मैंने जो 3-4 साल में नजदीकी से प्रिंस को देखा है, तो एक बार सभी अभिभावकों को विजिट प्रिंस का जरूर करना चाहिए। और अजय जी ऐसा भी कहते हैं कि अगर सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देखा। कृष्ण सोनी हमारे बीच मौजूद है, जो 2022 के बीच में नीट में सिलेक्टेड होकर आज तेलंगाना की सूर्यपेट मेडिकल कॉलेज में। कृष्णा आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आपका इंटरव्यू आज से 2 वर्ष पहले हो चुका है, एक बार पुनः आज राहुल के रूप में आपके घर पर प्रिंस की मीडिया ने आपके दरवाजे को खटखटाया है, आपको कैसा लग रहा है आज आपके भाई के सक्सेस को देख? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा माहौल एक बार पहले हुआ था वैसा ही माहौल फिर से हो गया है, मतलब मोटिवेशन आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं अनुज भाई ने अग्रज भाई का अनुसरण किया है और इसी को लेकर इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। प्रिंस परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आप कितने वर्षों तक पढ़े और अभी क्या कर रहे हो, बताइए आप। देखो मैंने वहाँ से 12th करी थी, उसके बाद मैंने पीसीपी में वहाँ एडमिशन लेके मेरा नीट का जो भी तैयारी की थी वो मैंने प्रिंस परिवार से ही करी थी, पीसीपी से। उसके बाद में मेरा जो मेरे को देख के इन्हें मोटिवेशन आया कि हम भी कुछ करते हैं, तो वहीं प्रिंस में एडमिशन लिया कि वहाँ कुछ ना कुछ तो है बात, कुछ तो बात है वहाँ, तो वहीं पे एडमिशन लेके वहाँ अच्छी तरीके से पढ़ाई की। वहाँ पे देखा कि क्या बात है कि टीचर्स कितना ध्यान देते हैं, तो वही एक मोटिवेशन मिला इनको। बिल्कुल। आपकी सगी बहन भी थी क्या उस टाइम? हाँ मेरी एक सगी बहन है, उनका भी 2022 में साथ ही नीट में सिलेक्शन हुआ था। कौन से मेडिकल कॉलेज में? वो है GMCH गुवाहाटी में, आसाम में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस परिवार का प्रिंस से गहरा रिश्ता रहता है। बिल्कुल, कम से कम 5 से 6 बार तो स्टेज पे जा चुके हैं हम, 5 से 6 बार सम्मानित होने के लिए। ये तो ये पिछले 2 वर्ष में ये रुकेगा नहीं, ये कारवा चलता रहेगा, अब मुझे लग रहा है आगे चलता रहेगा। बिल्कुल चलता है। तो लीजिए, ये है बाबा परमानंद की नगरी लोसल का वो सोनी परिवार, जिस परिवार के 3-3 सपूत बेटे एक नए राह पर जा रहे हैं और बढ़ चुके हैं आगे।